कहां से उतार रहा है तू यार? भैया गांव की रोड क्या करता रहता है तू गाड़ी में? भाई यार वो गया था, वो लल्लू का लड़का लेके भाग गया था। अब क्या करें? पेट्रोल ही नहीं रखता तू गाड़ी में? भाई करना क्या है, लेके चलना पड़ेगा भाई पैदल यार। अरे भैया पेट्रोल खत्म हो कैसे गया? अरे भैया वो लल्लू की लौंडिया भाग गई। तो इससे पेट्रोल का खत्म होने का क्या मतलब है? मांगे तो मेरी लगो चिकनारी। लौंडिया भगाने में बाइक देने लगा है? अबे तू गाड़ी देने लगा है लौंडिया भगाने के लिए? 100 रुपया का हिल्ला हो जाता, पौआ आ जाता, अपना औका चाहिए, पौआ हो जाता। कितने का पेट्रोल लगाया था भाई? 20 रुपया लौड़वा रहा हूँ, पूरा का पूरा 20 रुपया। सारे दादी जान का धक्के दे क्या कर भैया? पूरा पूरा ध्यान रखा तुम, क्या करूँ? कितना डलाया था? पूरे 20 रुपया का। तुम्हारे भैंसिया के संग मेरे पड़ा का ब्याह भाव। अरे यार पेट्रोल खत्म हो गया है। अरे पेट्रोल तो खत्म हो गया, दिन भर फिर गया ऐसा लड़का नचे यही गाय कहा है भैया? बिड़ा रहा जो खुशी बाकी मुंडा की लौड़िया के संग भाई बैठो कोपच में। मैं बता रहा भैया, तुम सारे लौंडिया बाजी गाड़ी से ना भैया ना बैठो तुम गरीब आते हैं भैया, बैठो पौआ के जुगाड़ में। कछुना हिमांशु आ जाना, क्या कर रहा है? आया भाई आया। क्या करने लगा था? अबे क्या कर रहा है ये? अरे माँ क्या कर रही हो? कैसी हो? बढ़िया। तुम्हें परेशानी नहीं? नहीं परेशानी नहीं भाई, इसने जरूर परेशान कर लिया हमें। अरे वो लिवान गो में मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पेट्रोल खत्म हो गया, पूरे 20 रुपया डरा हो तो 20 रुपया पेट्रोल डरा पेट्रोल जितने को बताओ। तुम गलत काम और करने लगो, कुछ मैं शिकायत कर रहे थे लोग सब इसकी। गलत नहीं काम कर रही हो तो तुम कलुआ की लौंडिया के संग भागो। तुम कलुआ के लौंडिया से जानकारी का क्या करूँ? तुम तो रहते बॉर्डर पे तो जूना करे तो करो। तो मैं लौंडिया की कहाँ जाए, कहाँ तू दिखे वो कलुआ की लौंडी, तू तो सुधर के चल। दारू ना पिए माँ को समझा सकता है मुझे नहीं, ठीक है उससे बाद में मिलूंगा। ठीक है माँ मैं चेंज करके आता हूँ। अच्छा वो माँ बचाए ला तुमने? बचाए ना ला, तुम घूमत रहा था बात घूमत रहा था गली गांव में हैं। खा रखे थे देखो करो पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दे तुमने। चला जाऊंगा मैं, जाता हूँ और कहाँ जाऊंगा? पिटाई बहुत हुई, हम बचाए ना जाऊं कहाँ? जाऊं कहाँ? हार खे थे जाओ तब ठीक है। भैया देखो मत बोल, भैया से बच के रहियो ना, मारे पिटाई बहुत कर रहे हैं। तुझे शाम को तल के धरियो, आऊंगा मैं खाऊंगा के, अभी जा रहा हूँ भैया के साथ खेत पे। भैया चाय लो आकर। ओ भैया चाय लो। नहीं आप थोड़ा सुधर जाओ, नहीं तो बड़े वाले भैया आपको बहुत डांटेंगे। मैं बता रहा हूँ अभी जा रहा हूँ, भैया बोली ना खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। हम वो वाली बात बता देंगे भैया, शाम को सबको नोट ले लियो मैंने यार। ठीक है ठीक है ठीक है। कह रहे अभी तुमने जो सब कैंटीन क्रीम है खाई ली तूने, सब खत्म करके फेंक दी। ये मैंने ना पोती कुछ और पीने लगा क्या? नहीं भैया नहीं, गंदे काम करते ही नहीं है, गंदे काम। चाय का मजा ही कुछ और, ऐसी चाय नहीं मिली। हमने सुना तू सुना, मेरे तो सवाल चल पता ही तुझे, तू अपने सुना क्या चल रहा है गांव में? नहीं गाड़ी से बात हो ना, वो सारी बंदा जाता है चलता है बंदा जाता है पता नहीं पैंट नौ करके पेट्रोल पियता है।
मैं पेट्रोल को मैं तू नहीं तो कहा था पल्सर चाहिए भैया पल्सर चाहिए कहा था कि नहीं कहा था अब कौन सी लेगा R15 बेटे उतारे अच्छा ऐसा कर हम जा रहे हैं खेत घूमने ठीक है बाबूजी के पास तू यहीं रह अरे मैं भी आ रहा भैया अरे तू आ जा मां मैं खेत तरफ जा रहा हूँ शाम में आऊंगा ठीक है अरे मैं भी आ रहा भैया तू क्या करेगा अरे मैं भी चल लूंगा अरे भैया रुको तो हम चल रहे हम तो ससुर आर्मी में भर्ती हुई है तो भगे भगे ढोल ले फेरू भी आ गया बड़ा हो गया तू हाँ बड़ा होएगा अति तेरे घर में अब क्या होता है नहीं कटे परेशान ना हो नहीं कटेगा हाँ चल भाई तूने फुटबॉल अरे भैया इधर आओगे क्या है तार बार क्यों लगा रखा है अरे गैया भैंसिया यार बड़ी है ये सारी भैंसू तो गैया आती है तो तार लगा दिया आज सारा दिन ही खराब है हिमांशु हाँ भैया ये क्या है यार ये तो गांजा है फीम हाँ भैया गांजा है जो ही है रहा पूरे में वही का वो आए हैं कछु शेर के झारखंड के जाने कहाँ के वो ही उगवाते हैं एडवांस में पैसा देंगे ना होगा तो सारे गाड़ी देते हैं मत पूरे गांव वाले उनके कहने पे चल रहे हैं का करो जाए भैया पता है ये बहुत नुकसानदायक है समझ ने पता है लेकिन पैसे की मजा है आदमी जे थोड़ी ना देगा तो का नुकसान है का फायदा है इस गांजे की सप्लाई वो शहर करते हैं भैया पेटी की पेटी जाते हैं आप अगर ना मानो तो सवेरे टाइम मिली हूँ देखो भैया कितो पूरे में ट्रक के ट्रक भर के जाते हैं कहाँ से लोग आए हैं झारखंड फारखंड से हैं चल तू एक काम कर खेती वेती छोड़ ठीक है गांजा वांजा ये मैं देख लूंगा मैं आ गया हूँ ना यहाँ पे अच्छा एक बात बता माही क्या कर रही है आजकल माही होगी अपने खेतों में बैठी होगी भाई मुझे याद करती है नाम लिया देखो बैठी है ओ तू एक काम कर मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेके आ जा पानी पीऊंगा अरे जलेबी क्या हालचाल अरे फौजी भैया कब आई है तुम अरे भैया और बताओ और बढ़िया बताओ कब आए तुम अरे तू तो बड़ा बड़ा हो गया अरे तुमने बताई ना तुम आई एकदम आ गया तुमसे मिलने अरे भैया तुम्हारा इंतजार है तुम भैया अपना सुनाओ मैं तो अच्छा हूँ अच्छा एक बात बता पढ़ता लिखता है कि नहीं तू अरे भैया कहाँ पढ़ाई लिखाई मेरे यार पढ़त तो है वो इच्छा ही ना है वो धमका कर है अच्छा वो पबजी खेल रहा है वो क्या कहते भैया भाई बन रहे चाहे रहे हम अच्छा एक बात बता तेरी दीदी बड़ा गुस्सा बैठी क्या अरे भैया हम कहा बताएं तुम जानो अच्छा हमें कछू ना पता भैया हम तो पबजी तो ही मतलब रखते है भैया तुम आइए तो वही गुस्सा हुई अब खूब हद खेल के बातें कर रही थी यार हम इन चीजें तो मतलब ना रखा था पबजी में अरे भैया कर रहा तू अरे भैया बता भैया आज तेरे को आलू भून के खिलाता हूँ आलू अरे भैया आलू तो बड़ा खाते हैं अब बात कर ले कुछ मैं इतने दिनों बाद आया हूँ क्यों नाराज है बताना अच्छा अब ये भी बताओ कि मैं क्यों नाराज हूँ हाँ ना फोन ना फान ना मैसेज कुछ नहीं बताओ चल ठीक है मान जाना सॉरी आगे से नहीं होगा ऐसा मैं बात करूँगा तेरे से होगी गलती चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ जो अनकहा सा रह गया मैं जो कभी कह न सका आज कहता हूँ पहली दफा दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नजर से ही यारा तेरे बिन ये सारे मौसम बेरंग थे बेमजा थे शामिल नहीं थी तू जिन में वो सारे पल बेवजह थे वो जिंदगी है ही नहीं जो मैं तेरे बिना जी लिया
आँखों में तुम पहली नजर से ही यारा ये इश्क। एक काम करो, टाइम बहुत हो गया, मैं घर जा रहा हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी, तुम जाओ। अच्छा अभी घर जाओगे, बॉर्डर पे जाओगे, तो फिर शादी की बात कब करोगे माँ से? गॉड माही, परेशान मत हो, मैं माँ से बात कर लूंगा, मैं आया हूँ शादी की बात करने के लिए, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। नजर से ही यारा। बॉस बॉस, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ रे? गांव में एक विराट नाम का फौजी आया है और पूरे गांव वालों को भड़का रहा है। सुनने में ये भी आया है कि अब वो गांजे की खेती भी नहीं होने देगा। फौजी आई आई आई, अच्छी, जब भूरा रंगीला को छींकाती है ना तो को बढ़िया ऐसे घूमती है वो फौजी ना। इसी फौजी ने, विराट ने मेरा 10 करोड़ तक का माल पकड़ाया था, आज ये फौजी यहाँ भी आ गया। अरे हुजूर, वो फौजी यहाँ फौज में नहीं, उसका घर है, वो तिवारी का लड़का है, उसका गांव है, घर है यहाँ। एक बार यहाँ शराब की भट्टी लगाई थी, उसने ऐसा सबक सिखाया, वो आज लौट के नहीं आया, उससे होशियार रहना माई बाप। बॉस, आप तो सिर्फ नाम के रंगीला हो, असली रंग तो ये चोटी वाला दिखा रहा है। इसकी बेटी उस फौजी से बहुत प्यार करती है और सुनने में ये भी आया है कि दोनों मिलकर कुछ ही दिनों में इस गांव से गांजा की खेती मिटाना चाहते हैं, नहीं होने देंगे वो गांजा की खेती। कह रहे चोटी वाला, तू हमको समझा रहा था ना, तेरी लौंडिया हूँ आप पे फौजी के संघर्ष कर रही है ना, तब ये तू खेल खेल रहा था ना, इसमें से छो के छो तेरे फेज में उतार दूंगा। आई आई, अच्छी, जब छींक आती है ना भूरा रंगीला की तो समझो किसी ना किसी की मौत आती है, आज मौत आएगी उस फौजी की। अरे रबुआ, बांधा साले के उसको। वो फौजी अकेला है ना? अकेला है, पूरी फौज तो है नहीं? नहीं है। जाओ देखे वो फौजी क्या करेगा, अकेला आया है, उसको उठा लो, पूरी फौज को लेके जाओ, उठा लो फौजी को और उसके घर वालों को, अब अड्डे पर लेके आओ, जाओ। दौड़ना, क्या कर रहा, दौड़। राम राम। क्या हुआ? अबे आजा, अबे आना, क्या हुआ? जल्दी आ, उधर चल। मैंने क्या? अरे इधर। अभी तो कैसे करते भाई यार? अभी तो शुरुआत है, आजा, 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 आजा। फौजी बनना तुझे भी ना, बनना है ना फौजी? हाँ। फौजी बनना है? चल। इस पे 10 राउंड मार, लटक। 10 राउंड? जल्दी जल्दी जल्दी, अभी 20 बताऊंगा, ये तो सिर्फ नाश्ता है अभी सुबह का। जल्दी चल, जल्दी चल। अबे ऐसे नहीं पागल, ऐसे ऐसे मार। इसको पकड़। भाई थोड़ा रेस्ट कर लेने दे भाई। भैया थोड़ा सा टाइम लेने। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या पंखा उखड़ गया है भाई? कैसे करते हो यार तुम ये सब? सिगरेट पीने लगा है क्या? पागल हो रहे भाई, ऐसी बातें करोगे आप भी? ये पंखा क्यों खराब हो रहे हैं तेरे? अबे चल माही से मिलने चल रहा है, जल्दी उठ। माही? हाँ। भाई माही से याद आया, उन गुंडों का कुछ करना है कि नहीं करना है? हाँ करना है। और तूने अभी तक क्यों नहीं कुछ एक्शन लिया? तू तो कुछ कर सकता था ना। वो साले एक नहीं है भाई, मुझे अपनी तोड़वानी नहीं है। अबे सुन, मेरी सुन, कितने हैं भाई? उनका पूरा ग्रुप है। हाँ। अकेले अगर मेरे बस की होती तो कब का सालों को मार के टांग चुका होता। मैं कर लूंगा सब हैंडल, मैं यहाँ हूँ। आप आओ ना तो मैं सब कुछ कर लूंगा। ठीक, चलो उठ उठ उठ। यही है चुटिया वाले का खेत, चलो इधर। ये खेत खाली पड़ा है तो खाली ही रहेगा, इसमें ना आलू होगा ना गेहूं, होगा तो सिर्फ गांजा होगा, गांजा होगा इसमें। लड़की कहाँ है? वारे बॉस। चलो उधर। काय दीदी जा, मैं क्या करे हो फिर बताओ, खाली डरो कुल दिन अंत है, बताओ।
यहाँ गेहूँ लगवाएंगे। अरे वो बाप तो वो गंजड़ी बनी हुआ लगाए हैं कैसे, हम लोग का कर लिए जामे, अबे गुंडा लगना ही तो लगना ना दिए कछु। अरे वो गुंडों का बाप आ गया है, विराट आ गया है हमारा। अरे तो... दीदी भी आए तो रहे हमें भाई के लग रहे गुंडा, ये वे देखो वे आए रे गुंडा ये। हाँ अरे कहते घुसे चले आ रहे हो शहर से, क्या पढ़ के आई है, बहुत बड़ी होशियार बन दी है तू। तू खेती रोकेगी गांजा की इस खेतों में? मैं कहती हूँ चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना दुनिया से निकल जाओगे। तू मुझे दुनिया से निकलवाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी तू, इन खेतों में सिर्फ गांजा ही होगा, कुछ नहीं कर पाएगी तू। मार दूंगा उस फौजी को। क्या तू मारेगा उसे? मैं मारूंगा उस फौजी को। तू तो खुद मरा हुआ है, तू क्या मरेगा उसे? हट कमीने, बहुत जबान लड़ाती है तू। हट जाने मुझे, हट, मार डालूंगा, हट हट। ले चलो अड्डे पे। छोड़ो मुझे, छोड़ो भाई मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। तू परेशान मत हो जले भी, आज इस भूरा रंगीला को इसके गांजे के साथ उखाड़ कर इसे गांव से बाहर फेंकूंगा, तो चल मेरे साथ। रंगीले जब छींक आती है ना तो जरूर कुछ ना कुछ बुरा होता है, आज तेरी छींक उसी बात का प्रतीक है, आज ये विराट तेरे साम्राज्य को राख बनाकर जाएगा। अरे बेटा फौजी अपना बॉर्डर संभाल, यहाँ तो मैं संभाला हूँ, देख मेरे अड्डे पे कितने आदमी खड़े हैं। एक वार्निंग लास्ट तुझे दे रहा हूँ, अगर अच्छा ही चाहता है तो यहाँ छोड़कर निकल जा सब बहुत जल्दी। अरे भाई हटो यार तुम, तेरी तो साले तेरी तो। अरे साले भूखिया तक रहो, मारो सालों को। एक भी आगे आया तो जिंदा नहीं बचेगा, भाग जाओ यहां से। बदले तू तो मेरा खास आदमी है रे। बोल रंगीले अब तेरा क्या हाल करूं, और कोई आदमी है? और कोई आदमी है? बुला बुला अगर कोई और भी है, बुला। तूने इस गांव में जो गंदगी फैला के रखी है उसके लिए तेरा अंत बनता है, उसके लिए तेरा अंत बनता है। छोड़ दे विराट, कानून का अपने हाथ में मत लीजिए, मैं इसको देख लूंगा। चल चल आजा माई, चल जाए का ले यार, जाए नहीं हमारी गलती नहीं, वो हमें रोज किलम पे आता था और नहीं तो मार डालता, इसलिए हम उसके साथ। जलेबी छोड़ दे, बाप है तेरे, चल आजा आजा माई।
रो मत माँ, अब उस धरती माँ की सेवा करना भी तो जरूरी है। मैं नहीं जाऊँगा तो वहाँ भी तो सब अधूरा है, हाँ इसीलिए तो तूने मुझे आर्मी के लिए भेजा था। ठीक है, तू परेशान मत हो, बहुत जल्द आऊँगा। नहीं बेटा, कहाँ रह रही? अच्छा माँ चलता हूँ, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं, चलो आबे चल। पागल रो रहा है क्या तू भी? अच्छा चुटकी चलता हूँ, ठीक है। और माही तुमसे किया वादा भी अधूरा रह गया, तुम परेशान मत होना, मैंने माँ से बात कर ली है, हम दोनों की शादी के लिए बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, इतने ही दिन की छुट्टी थी। ठीक है जाओ, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम परेशान मत होना और जलेबी का ख्याल रखना, ठीक है, मैं जल्दी लौट के आऊँगा, जल्दी फिर आएंगे, परेशान मत हो तुम। हाँ